नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं बीसी सखी बहनों के बारे में, एक बहुत बड़े अपडेट को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर बहनें परेशान हैं नियमित तौर पर मानदेय ना मिलने को लेकर, और इतना ही नहीं, कई बहनें तो साड़ी ना मिलने की वजह से भी परेशान हैं। कई जगहों पर धरना प्रदर्शन चल रहा, कई जगहों पर जिलाधिकारी को ज्ञापन पत्र भी दिया जा रहा है। दोस्तों, सभी पीसी सखी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि सभी पीसी सखी बहन जिसका मानदेय मिला है और जिनका नहीं मिला है, आप सभी लोग कृपया ध्यान दीजिए। UPSRLM की तरफ से सभी पीसी सखी बहनों की डिटेल्स रिश्ता एप्लीकेशन पर, जी हाँ दोस्तों, रिश्ता एप्लीकेशन पर मांगी गई है। आप सभी लोग अपने काम नियमानुसार मानदेय की स्थिति को रिश्ता एप्लीकेशन में जाकर बीसी सखी प्रोफाइल में अपने मानदेय का विवरण दर्शाएं, यानी कि जिस जिस महीने का आपको मानदेय मिला उस महीने का आपको टिक लगाना है, और अगर आपको साड़ी मिली है तो उसका भी टिक लगाना है, जैसा कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखा रहा हूं। इस तरीके का आपका रिश्ता एप्लीकेशन में खुलेगा जो UPSRLM की वेबसाइट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको 6 महीने की सैलरी मिली है या नहीं मिली है, सभी विवरण को हाँ या ना में भरकर सही कराएं। सभी बीसी सखी बहनों की सैलरी जल्द ही मिल जाएगी, जहाँ तक मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जैसे कि मनरेगा मिट को लेकर नई खबर आने वाली है, और बीसी सखी बहनों को लेकर जिस तरीके से खबर आई हुई इस चीज़ को आप जान सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी सभी बीसी सखी बहनों की बल्ले बल्ले होने वाली, यानी कि आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी किसी महीने की सैलरी नहीं आई है तो आप रिश्ता एप्लीकेशन पर वहाँ पर क्रॉस पे टिक करेंगे, अगर आई है तो वहाँ पर आप सही के निशान पे टिक करेंगे। इस तरीके से सरकार के पास अपडेट जाएगी और इस अपडेट के द्वारा आपकी सैलरी आ सकती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जब 6 महीने का आपको मानदेय देने का वादा किया था तो आपको यकीनन 6 महीने का मानदेय मिलेगा, और जब आपको साड़ी भी दिए जाने की बात कही गई थी जो NIFT के द्वारा डिज़ाइन की गई है, तो साड़ी भी आपको सही समय पर मिल जाएगी। अगर नहीं मिली है तो आप उस रिश्ता एप्लीकेशन के माध्यम से जाकर वहां अपनी विवरण को दर्शाइए ताकि सरकार तक आपकी जानकारी पहुँच सके। और दोस्तों, आने वाले समय में आपको और भी कुछ एप्लीकेशन आने वाले जो बीसी सखी बहनों को उस एप्लीकेशन के माध्यम से उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने संगठन से ज़रूर जुड़िए, ताकि जब भी आप एक संगठन में होते हैं तो उम्मीद सी बात है एकता में बल होता है, यानी आपके पास एकता होती है। अगर आप कुछ भी बात करेंगे, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर ज्ञापन पत्र देकर, या फिर सीधे तौर पर अधिकारियों और प्रशासन से मिलकर, तो यकीनन आपकी बात ज़रूर रखी जाएगी। अगर वो बात सरकार को 100% सही लगती है या सरकार को लगता है कि ऐसा किया जा सकता है, तो यकीनन सरकार ज़रूर करेगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ अगर इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादातर बीसी सखी बहनों को भी इस बात का पता चल जाए कि आपके जो भी रुका हुआ मानदेय है, बिल्कुल मत घबराइए, आपका मानदेय जल्द से जल्द सरकार आपके खाते में डालेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।